क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, जर्जर भवन के मरम्मत के जारी किए निर्देश। बेतिया के सुगोली गांव में घटिया नाली निर्माण पर युवक की हुई जमकर पिटाई। नरकटियागंज के बरवा बरौली गांव में दबंगों ने सरकारी नाले पर किया कब्जा, लोक निर्माण कार्यालय में दर्ज हुई शिकायत। हथियारबंद बदमाशों ने एसबीआई बैंक में की लाखों की लूट, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए बदमाश। अज्ञात परिस्थितियों में घर में रखे सिलेंडर में हुआ विस्फोट, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम बिहार। तो शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एसबीआई बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है और लगभग 10 से 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बता दें, अपराधियों ने बैंक के अंदर घूमते ही सबसे पहले सीसीटीवी सिस्टम को उखाड़ दिया और फिर बैंक में मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लिया। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। चपरासी से उसे पूछ रहा था कि मैनेजर कहाँ है बताओ, मैनेजर कहाँ है बताओ। एक आदमी लगा होगा उसको, मार भी खाया, बहुत मार खाया। उसके बाद हमारे पास भी आया तो वही मार के ही जो है सबको पूछा कि मैनेजर यहाँ चलो 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 पैसा दो पैसा दो। उसको लगा कि चाबी मेरे पास है, मेरे पास तो रहता ही नहीं है, है ना। लेकिन अब ले गया अंदर में ढकेल के कि चलो पैसा खोलो खोलो पैसा दो। शायद उसको लग रहा था कि कैश में काउंटर में पैसा नहीं है। बैंक मैनेजर और यहाँ के सारे जो एम्प्लॉई हैं उनका बयान भी लिया गया है और लगभग अंदर जो बता रहे हैं कि 6 की संख्या में थे और मे भी हो सकता है कि बाहर भी रहे होंगे। तो हम लोग अन्य चीज़ों को देख रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीज़ें जो भी मिले जिससे क्लियर हो गई कुछ लोग थे। और साथ ही साथ जो कितने अमाउंट का डकैती हुआ है वो भी हम लोग देख रहे हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मरीजों को अगले 15 दिन में आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और इसके साथ ही जर्जर और पुराने भवन को तोड़ते हुए नए भवन बनाए जाएंगे। बता दें, मिशन 60 डेज के तहत हो रहे कामों की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल बगहा का औचक निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान दवा ना मिलने की शिकायत पर डीएम ने खुद ही स्टोर रूम का जायजा लिया। स्टोर इंचार्ज को फटकार लगाते हुए समय से दवा का डिमांड भेजने का भी निर्देश दिया। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ढंग से हो पाए, जो थोड़ी कमियां हैं आईपीडी बिल्डिंग के कारण वो भी चीज़ जो है रिमूव हो जाएगा और कैसे बेहतर सुविधा मिल पाए हर व्यक्ति को ये इंश्योर किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ओपीडी में हम लोगों ने देखा कि जो महिलाओं का ओपीडी वो फर्स्ट फ्लोर पर है, उसको नीचे करने हम लोगों ने कहा है। तो और उसके साथ ही कुछ मेडिसिन वगैरह की कुछ चीज़ें थी तो वो भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है। और उसके साथ ही हम लोगों ने यह भी बोला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें कि ACMO और CS सभी लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी ऑफिसर्स होंगे और यहाँ के भी SDM रहेंगे
और अन्य पदाधिकारी गण रहेंगे और जो डे टू डे इश्यूज आते हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। खबर मधुबनी से है जहां सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में पंचायत के विभिन्न योजनाओं की जांच की गई। बता दें कि जांच के दौरान वार्ड 1, 2, 3 और 9 में नल जल योजना के तहत पाइप नहीं लगाने एवं जल से पानी ना मिलने की बातें सामने आई हैं, जिसके बाद बीडीओ ने जांच के दौरान पाए गए त्रुटियों को दूर कर शैक्षणिक गुणवत्ता को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के शुगौली गांव में घटिया नाली निर्माण कार्य का विरोध करने पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में शुगौली गांव निवासी युवक ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। एकदम घटिया काम करा रहे हैं, नदी नाला का खिड़की डलवा रहे हैं। हम बोले कि कम से कम काम तो बढ़िया कीजिए। तो कौन सा वार्ड में काम हो रहा है? 7 नंबर वार्ड। कौन सा पंचायत है ये? शुगौली पंचायत है। अच्छा, तो काम में पूछने पर क्या हुआ? काम में पूछने पर बोले कि तुम कौन हो, मार करके राम रतन जो मुखिया पति हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि इमलिया जमुनिया वहाँ के टीचर हैं। खबर नालंदा से है जहां सीएमएस कर्मी की आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। बता दें कि आत्महत्या के पहले सीएमएस कर्मी ने अपना एक वीडियो जारी किया था जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने सीएमएस कंपनी के अधिकारियों को अपने मौत का दोषी ठहराया है और युवक ने वीडियो में बताया कि उसे मेंटली टॉर्चर किया गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है जिनका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अपने फैमिली वालों के साथ भी पूरा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हमको मारने की धमकी दिया जाता है, हमें हमारे पूरे फैमिली को। मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा हूँ, मैं क्या करूँ नहीं करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं थक चुका हूँ। सीएमएस का लोकल इंचार्ज विजय सर हैं, जो एरिया मैनेजर हैं संजय सर हैं, इन सब ने मिलकर हमारे ऊपर इतना टॉर्चर किया जिसका मैं बयान नहीं कर सकता किसी के साथ, मैं खुद अपने आप को नहीं बता सकता। इन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। नहीं हुआ कि आए दोपहर में, वो बोले हम आते हैं डेरा से थोड़ा देर के बाद। कौन आए? भैया। और उसके बाद जब हम फ़ोन किए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, और लगातार फ़ोन करने के बाद भी जब नहीं रिसीव किए फ़ोन, तो हम उनको देखने के लिए डेरा के पास आ गए, और डेरा के पास आए तो दरवाज़ा खोले तो देखे कि फंदे में लटके हुए हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। खबर सहरसा से है जहां के पुलिस लाइन में डीएसपी सतपाल सिंह के शहादत दिवस को लेकर माल्यार्पण, शोक सलामी और नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीआईजीएसपी लिपि सिंह, डीएसपी, एसडीपीओ और सदर थाना अध्यक्ष के साथ इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह सहित कई अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। हमारे सहरसा पुलिस लाइन में शहादत दिवस का आयोजन किया गया।
डीएसपी सतपाल कुमार सिंह आज के दिन बनमा इटहरी ओपी जो क्षेत्र है वहाँ पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में उनको गोली लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी शहादत को हम लोग आज याद कर रहे हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के बरवा बरोली गांव में दबंगों ने सरकारी नाले को अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसको लेकर वार्ड संख्या 5 के जुबैर आलम ने अतिक्रमण मुक्त के लिए नरकटियागंज के लोक निर्माण कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पदाधिकारियों को जाँच करने के बाद अतिक्रमणियों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बरवा बरौली में नाला के जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है और गबन नोटिस हो भी गया है और नोटिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और नाला सब लोग बना रहा है, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं जो खाली जल्द से जल्द हो, खाली हो जाए। मोतिहारी के बिलासपुर गांव में अज्ञात परिस्थितियों में एक घर में रखे सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। सिलेंडर फटने से लगी आग ने 5 अन्य घरों को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया। चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आग में हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे की धनराशि जारी करने की जानकारी दी है। बेतिया की साठी पुलिस ने मुखबरी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि बिहार मद्य निषेध अधिनियम के उल्लंघन के तहत युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव जयशंकर सिंह चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा सरकार अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मुद्दे पर अनदेखी कर रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भारतीय जनता पार्टी सस्ती है, फिर भी पिछड़ों को अनदेखा किया जा रहा है। कहा कि जो भी पिछड़ों को सुनवाई नहीं करेगा उन्हें सत्ता से हटने की चेतावनी दी गई है। कार्यक्रम बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अति पिछड़ा वर्ग को अधिकार से वंचित करने के लिए नगर निकाय चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए आरक्षण को खत्म करना चाहती है कोर्ट के माध्यम से, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारा सरकार नीतीश बाबू जो हैं अति पिछड़ा को सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करने के लिए नगर निकाय से पंचायत निकाय सभी जगहों पर आरक्षण दे करके और इनको भी मुख्यधारा में जोड़ने का जो काम किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही है और तरह तरह के अड़ंगा लगा करके किसी भी हालत में अति पिछड़ा को मुख्यधारा से काटना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी पार्टी हमारे वर्ग के साथ खिलवाड़ करेगा तो सत्ता से बाहर हो जाएगा। मोतिहारी के धूमनगर गांव में एक युवक का शव महिला युवती के घर फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना पर ग्रामीणों में सनसनी मच गई। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या और आत्महत्या का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसमें धूमनगर घोड़ासन में ये मामला सामने आया है, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल पहुंच के बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि उस युवक का उस घर की एक लड़की से प्रेम संबंध था। रात्रि में 9 बजे के आसपास वो वहाँ गया था, लड़की के माता ने देख लिया उसे और बाहर से सिटकिनी लगा करके बंद कर दिया था। वो हंगामा हुआ और इसी क्रम में विचलित होकर के उस युवक ने आत्महत्या कर ली, जैसा कि बात सामने आई है, वीडियो और फुटेज देखा जा रहा है। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम।